पानी जांच करना लल्लू पंजू के बस की बात नहीं है। बहुत से लोग गाली देंगे यार, लेकिन मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। पानी जांच करना लल्लू पंजू के बस की बात नहीं है, लेकिन आजकल पानी जांच करने वालों की होड़ लगी हुई है। गली गली में पानी जांच करने वाले हैं यार, और किसानों को सब लूट रहे हैं। जितना ज़्यादा हो सके किसानों को लूटो। पहले अंग्रेज़ों ने लूटा, दुनिया भर के मुग़ल वाले आए वो भी लूटे, सरकार ने भी किसानों को लूटा। खैर अब नीति बदल गई है सरकार की, किसानों को दे रहे हैं। व्यापारी ने भी लूटा, और अब तो भैया हद हो गई यार, ये पानी जांच करने वाले भी किसानों को लूट रहे हैं। अपनी झोली तो भर रहे हैं, साथ ही साथ किसानों को बर्बाद भी कर रहे हैं। तो झोली अपनी भर रही है तो किसानों को भी तो भरना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए भाई मैं कह रहा हूँ, पानी जांच करना आज की परिवेश में लल्लू पंजू की बस की बात नहीं है। किसी को बुरा लगे यार तो सॉरी भाई को सॉरी, ठीक है। अब मैं अपनी विषय में आ रहा हूँ, पानी जांच करना लल्लू पंजू के बस की बात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज जगह जगह पानी जांच करने वाले हो गए हैं। किसान कोई पानी जांच करने की बात कर देगा या बोर खनन करने की बात कर दी तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। भैया मेरे को आता है, वो 5,000 में करता है तो मैं 500 में कर दूंगा। इतनी गए गुजरी हालत हो गई है। कई जगह तो पानी जांच करने वाले फ्री में भी जाते हैं, कोई 100 रुपये में जाते हैं। आखिरी में नतीजा क्या होता है? जिस एरिया में आसानी से पानी मिल जाता है वहाँ तो किसान चमक जाते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर तो बर्बाद ही हो रहे हैं ना। तो भाई मेरा कहना है कि किसान भाई लोग, अच्छा से पानी जांच करने वाला बुलाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सॉरी भाई को ही अपने घर में ले जाओ बुला के, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो भाई आप लोग अच्छा से पानी जांच करने वाले बुलाओ। अगर आपके खेत में अच्छा से पॉइंट चेक करने वाले पहुँच गए तो आपका भविष्य संवर जाएगा। और कोई पानी जांच करने वाले थोड़ा से भी अगर लूज हो गए, उनकी हाथों में अगर नारियल नहीं खिला या अर्थिंग नहीं मिली तो आपका बोर फैल खा जाएगा। देखिए हमने पिछले कदम में चलना शुरू किया तो उधर पानी नहीं थी। देखो ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया, वहीं पर रहना भाई, यहाँ से स्टार्ट किए, इधर कोई पानी नहीं है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़े यहाँ पर पानी आना शुरू हो गया, और पानी की धार ऐसे होके गई है इस दिशा से, तो धार को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को क्या कर देंगे? देखो क्या फॉल्ट क्या होता है, मेरा उद्देश्य फॉल्ट बता रहे हैं। कोई भी पानी की जांच करने वाला वहीं पर रहना भाई, पानी जांच करने वाले आएगा बता देगा, अरे यहाँ पर नारियल उठ रही है, वो यहीं पर नारियल को रख देगा, उसके ऊपर बैठ जाएगा, 4 भौंरी मार देगा, बोलेगा भैया यहाँ पर पानी है, ऐसा ऐसा कर देगा, हाँ यहाँ पर पानी है, पॉइंट यहीं पर लगाओ, मुझे अर्थिंग मिल गया, यहाँ पर नारियल खड़ी हो रही है, यहाँ पर लगाओ, ठीक, यहाँ पर पॉइंट मिल गई। उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है, यहाँ पर उनको बता दिया तो भाई यहाँ पर बता रहा है तो आपको जहाँ जहाँ धार आ रही है उनकी वहाँ तक भी बताना चाहिए ना, कम से कम आधे किलोमीटर तक बताना चाहिए। आधे किलोमीटर तक नहीं है तो कम से कम 2-4 खेत तक तो बताना चाहिए। एक ही जगह तो पानी अंदर से ऊपर आ गया, ऐसा तो नहीं होता वहीं पर अंदर चले आई या वहीं पर अंदर चली गई, ऊपर आई अंदर चली गई, ऐसा तो नहीं होता आमतौर पर। तो भाई पानी जांच ऐसा नहीं करना है, हम चल रहे हैं और कहीं पर नारियल खड़ी हो गई तो भैया यहाँ पर मेरा नारियल खड़ा हो रहा है, इतनी बड़ी खेत में एक जगह नारियल खड़ी हो गई, भैया यहाँ पर पानी है, सॉरी भाई यहाँ पर पानी है, बस जी यहाँ पर पानी है, ऐसा बोल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो नारियल खेल रही है, हम समझ गए, इसी बात को बता रहा हूँ। तो एक्सपर्ट आदमी क्या करेगा, यहाँ पर पानी की धार मिल गई तो क्या देखेगा, धार की दिशा किधर है वो चेक करेगा। जैसे कि देखो ये धार की दिशा है, वहाँ पर है सेंटर पॉइंट नहीं है, वहाँ पर हमें धार मिला यहाँ तक है, फिर देखेंगे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, इस तरह से पानी निकल गई है, ठीक, एक एंगल हो गया, इसको हम छोड़ते हैं। अब देखो अब इसको फिर देखेंगे, ये इधर आ रहे हैं,
फिर वहीं पर आ गए घूम फिर कर। तो इसका मतलब यही है कि ये धार सीधी ऐसी आके गुजर गई है, आगे पीछे चाहे इधर से आई है चाहे इधर से आई है, चाहे इसकी दिशा यही है। लेकिन क्या ये सेंटर पॉइंट है? हमें यहाँ नारियल खेलते हुए मिल गया तो क्या सेंटर पॉइंट है? नहीं है। लेकिन आमतौर पर पानी जाँच करने वाले क्या करेंगे, गाड़ी से मस्त उसानो शौकत से उतरेंगे, जाएंगे बताएंगे यहाँ पर हो गया, देखो यहाँ पर पानी है, यहाँ पर लगा दो, मन के एक दो धार और बता देगी, यहाँ पर दो धार है, तीन धार है, चार धार, पांच धार, सात धार भी बता देंगे। लेकिन है एक्चुअली एक ही धार है। क्या यहाँ पर पॉइंट देंगे हम? कभी नहीं। इसको हम आका करके रख लें, यहाँ पर चूना लगा ले या कोई कूटी गड़ा दे, इस तरह से करेंगे। फिर हम जाँच करेंगे ये पानी की धार कहाँ पर है। तो चलो भाई इधर जाँच करते हैं, ये हाँ ये पानी की धार ही है, और देखो ये पानी की धार ही है। लेकिन इस खेत में इस किसान की सीमा यहीं पर समाप्त हो गई है, आगे दूसरे खेत में, तो यहाँ पर धार बस यहीं से है। तो हम क्या करेंगे अब, इस एंगल में तो पानी की धार है कि नहीं है देखेंगे। चलो भाई इधर आ जाओ, थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि हमें सीधा देख रहे हैं, तो अब देखेंगे यहाँ पर पानी की धार है कि नहीं। एक साइड देखिए यहाँ ड्राई है, पूरा ड्राई नहीं है, नमी है क्योंकि पानी की धार उधर बह रही है। देखो ये यहाँ पर नहीं है, इस साइड में नहीं है पानी की धार। तो हम अपनी धार वाली जगह में आ जाते हैं, ये यहाँ पर आ गई पोजीशन अपनी धार। तब हम फिर आगे बढ़ते हैं, इधर क्या सिचुएशन आती है, ये पानी की धार ही है, मतलब आधे हिस्से में इस साइड में पानी की धार नहीं है, केवल एक ही धार ही है और कोई क्रॉसिंग वासी नहीं है। तो हम अब इस सिचुएशन में इसको छोड़ देते हैं, अब इधर जाएंगे। चलो चलो भाई, ये यहाँ पर कोई धार नहीं है, कोई धार नहीं है, मैं सिंगल धार डबल धार क्या उसको बता रहा। देखो ये हमारी पानी की धार वहाँ पर मिला, लेकिन यहाँ पर भी धार बता रही है, देखो ये ठीक, और ये धार ही है कि उसी का कटिंग है, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो ये 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 और इधर से इसको चेक कर लेते हैं, ये तो ये एक धार सामने से आई है, अब एक धार यहाँ पर है ठीक। लेकिन पानी जांच करने वाले क्या बता देंगे, यहाँ पर हमको धार मिल गई यहीं पर बता देंगे, कोई बता देगा यहाँ पर है भैया यहाँ बता देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने वहाँ पर देखे हैं, वहीं पर है ना भाई, देखो ये तो यहाँ पर भी उठ रहा है नारियल, देखो तो यहाँ पर क्या हुआ है, पानी फैल गई है, पानी की धार गई है, यहाँ पर धार फैली हुई है। इसको अब छोड़ते हैं, चलो अब इसमें जो हाँ देखो ये यहाँ पर एक्चुअली क्या हुई है, पानी की धार उधर से ही आई है, दो फ्रंट बता रहा हूँ, देखो पानी की धार उधर से आई है, बीच में पानी की धार फैल गई, पानी की धार फैल गई और एक धार यहीं से कट कर आगे निकल गई, मेन धार आगे पीछे तरफ बढ़ी है, उसकी साइड से और धार कटी है आगे बढ़ गई इस साइड में, ऐसा है। तो हमें पॉइंट सेलेक्शन कहाँ पर करना है, एक धार तो एक ही है, देखो मैं बता रहा हूँ, ये सेंटर पॉइंट समझकर हम धार तय नहीं कर सकते, दो धार की कटिंग मिल गई तो वहाँ पर तय कर दें, ऐसा नहीं है। हमें धार की स्पीड देखना है, तो इतने जब घूमे हमें ये सेंटर पॉइंट यहाँ दो धार मिल रही ऐसा नहीं समझना है, यहाँ पर पानी आपको कम मिलेगा क्योंकि पानी फैल रही है, ये पानी फैल कर सीपेज के रूप में आगे बढ़ रही है। तो हमारा पॉइंट बनेगा, मुख्य पॉइंट बनेगा इधर, इधर बनेगा, आ जाओ भाई इस वाले हिस्से में बनेगा इधर, आप चाहे इधर लगा लो पानी की धार ये, तो यहाँ इस किनारे में खोदोगे तो जो पानी फैल के और आगे पीछे हो रही है, आई साइड बढ़ी है, तो वहाँ पर नहीं बढ़ेगा पानी, यहाँ पर पूरा पानी मिलेगा, जैसे कि 100% उधर से पानी आए तो 100% यहाँ पर मिलेगा। लेकिन आप पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, चलिए भाई बता रहा हूँ, अगर आप पॉइंट यहाँ पर लगा दिए, कोई मिस हो गई, आप समझ गए कि उधर से भी धार आई है, इधर से भी धार आई है, इधर गई है, अगर ये दो धार समझ कर लगा दिए यहाँ, तो आपको पानी 50% मिलेगा, हालांकि दोनों क्रॉसिंग लेकिन 50% मिलने का कारण यही है कि धार वहाँ से छिद्रक रूप में बट गई है, तो आपका मेन पॉइंट होगा वहाँ किनारे पर। आप ये मत सोचना कि यहाँ पर दो धार है तीन धार, इससे कोई फर्क नहीं है, आपकी मेन पॉइंट कहाँ पर, मतलब मेन धार कहाँ पर, वहीं पर मेन पॉइंट बनाना है। तो ये है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ पानी जांच करना आज की स्थिति में लल्लू पलटू के बस की बात नहीं है। तो चलो हम और आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये किसान की सीमा
समाप्त यहीं पर हो रही है। तो भाई मैं एक बार इसको और घूम के आपको दिखा देता हूँ। चलिए, और कहीं पर है क्या इसमें? ये धार कटी है तो क्या इस धार से जुड़ी हुई कोई और धार है? चलिए, ये धार है, ये इधर स्लो है, हाँ इधर आई है ये। देखो जिस बात की जिक्र कर रहा था वही आ गई ना, वो पानी उधर से आई है, कटी है, लेकिन वहाँ तक तो स्पीड बता रहा था, लेकिन इधर स्पीड कम बता रही है। देखो ये इस तरह से पकड़ना पड़ता है, आपको पहले ही भापना पड़ता है कि स्पीड किस दिशा में जा रही है। तो हम दो धार समझकर गलती ना करें भाई, क्योंकि आमतौर पर यही हो रहा है, पानी जांच करने वाला जाएगा तो शायद ही कोई किसान होगा उनके वो बताएगा कि यहाँ पर एक धार है। 99% पानी जांच करने वाला ही बता देंगे कि भैया यहाँ पर ऐसी धार आई है, ऐसी धार आई है, दो धार है। कोई बता देगा तीन धार है, कोई बताएगा चार धार है, कोई बताएगा पाँच धार है, लेकिन सॉरी भाई वही चीज़ बताता जो रियल उनको अनुभव होता है। तो इधर धार कम हो गई है, ये हिल बस रहा है, आधा एच पी का चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। यही बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, पानी जांच करवाना हो तो अच्छे अच्छे लोगों को बुलाइए, जिनको लंबी तजुर्बा है, जिनका रिजल्ट अच्छा है उनको बुलाइए। ऐसा नहीं कि सीनियर है तो वो काम ही करेगा, ऐसा नहीं है। जब इंजन पुरानी हो जाती है तो उनका रिजल्ट भी ख़राब हो जाता है समय के हिसाब से, ये बात सही है। तो आप अपने एरिया में ऐसे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको अच्छा अनुभव है उनको बुलाना, नहीं तो आपका बोर में धूल उड़ेगा। धूल उड़ने के सिवाय कुछ नहीं है। फिर आप कहोगे मैं तो वहाँ खुदवाया, कोई बोलेगा 8 पॉइंट हम करवा लिए हैं, कोई बोलेगा 10 पॉइंट करवा लिए हैं, कोई बोलेगा सॉरी भाई को लेकर आओ, जिंदा या मुर्दा लेके आओ, हमारे एरिया में लेके आओ। तो ऐसा नहीं है सॉरी भाई एक दिन में एक जगह जा पाएगा यार, वो भी जाएगा जहाँ रहता है उनके आसपास में ही जाएगा, बाकी दूर में नहीं जा सकता। इसलिए भाई सॉरी भाई के चक्कर में मत रहो, आप लोग खुद जांच करो। नारियल है 10-15 रुपए की बात है, पर जांच करते रहो। एक दिन नहीं पकड़ेगा, दो दिन नहीं पकड़ेगा, एक आदमी से नहीं पकड़ेगा तो दो आदमी से नहीं पकड़ेगा, तीसरा आदमी से तो पकड़ेगा ना, चौथा से पकड़ेगा ना। इसलिए खुद प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस कर करके बड़े से बड़े काम हो जाता है। और ऐसे आप सोच लोगे हमको बताता ही नहीं है, हमको अनुभव नहीं है, तो यार कुछ नहीं हुआ। किसान को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, किसान को हर क्षेत्र में पारंगत होना पड़ेगा। किसान भाई लोग क्या है, पानी जांच करने वाले क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं, पर आश्रित है, दूसरे के ऊपर आश्रित है। एक आदमी की चाहे वो कैसो भी रहे, कोई करम धर्म, वो उनके पीछे दौड़ जाते हैं, चाहे उनका रिजल्ट कैसा रहे उनके पीछे दौड़ जाते हैं। और आखिरी में उसको बुला लेंगे, एक पाव दारू पिला देंगे, मुर्गा खवा देंगे, आखिरी में क्या होता है यार, कुछ नहीं, धूल ऊपर धूल। फिर किसान चद्दर का थ्री ओढ़ के सो जाते हैं बेचारा, क्या करेंगे। तो भाई ऐसी नौबत ना आए, आप लोग खुद प्रैक्टिस करो। पानी जांच करने के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। जिस दिन भारत का किसान, हमारे देश का किसान खुद ना अपने खेत का पानी जांच करना सीख गए ना, तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ यार, हर खेत में पानी निकलेगा। अरे 3 HP का नहीं निकलेगा, 2 HP का तो निकलेगा ना, 2 HP का नहीं निकलेगा तो 1 HP का तो निकलेगा ना, एक नहीं निकलेगा तो आधा का तो निकलेगा ना, लेकिन निकलेगा भाई। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी के पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। हमें किसी के पीछे नहीं दौड़ना है, खुद अपने खेत में प्रैक्टिस करके देखना है। एक बार ठीक है चल असफल हो गए, समझ में, दो बार समझ, लेकिन बार बार थोड़ी सा असफल होंगे यार। हम अपने जीवन भर की कमाई को एक किसी एक पानी जांच करने वाले के भरोसा करके पूरा खपा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अपनी कमाई को हम अपने ऊपर भरोसा करके खपाना है। जिस दिन आप हमारे देश के किसान अपनी कमाई का पैसा, अपने खून पसीना का पैसा अपने एक्सपेरिमेंट में लगाएगा ना, तो उस दिन देखना पानी 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 सब जगह पानी पानी हो जाएगा यार। ऐसा भाई मेरा आप लोगों से सलाह है कि आप लोग किसी के ऊपर आश्रित मत, ज़्यादा मत होइए। किसानों को तो आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, और जिस किसान के हाथ में पानी है वो आत्मनिर्भर है, और जिसके खेत में पानी नहीं है भाई, मौसम की मार अलग मार रहा है, आई साइड वाले का सीपेज अलग आ रहा है, तो बर्बादी के सिवा तो कुछ नहीं है। तो भाई आप लोग इस दिशा में भी, पानी जांच करने की दिशा में भी आत्मनिर्भर बन जाइए, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। सॉरी भाई की बात अगर गलत लगा हो यार तो सॉरी, कोई टेंशन नहीं है अपने को सॉरी बोलने में, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही है, लेकिन यहाँ जाते जाते मैं एक बात आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छे अच्छे वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कर दो। हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद नहीं आता भाई, तो दोनों हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग और बहुत सारे हमारे यूट्यूबर हैं उनके चैनल को देख सकते हैं, वहाँ खूब मजे ले सकते हो।
और भाई उल्टा सीधा कमेंट मत करना यार, यहाँ मेरे चैनल को बहुत सारे माताएं बहनें सब देखती रहती है, उल्टा सीधा कमेंट मत करना, पसंद ना आए तो आगे बढ़ जाना यार, छोड़ दे रहा सॉरी भाई को, क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं अपने को, लेकिन भाई उल्टा सीधा कमेंट नहीं करना। हाँ, मेरे से संपर्क करना है, कुछ सलाह वगैरह लेना है ना भाई, तो रात्रि में समय 8 बजे से 9 बजे के बीच मुझे फ़ोन लगा सकते हैं, इस बीच में मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने का भरसक प्रयास करूँगा, बाकी दिन भर यार मत करते रहना, क्योंकि मैं दिन में बिजी रहता हूँ, कहीं पानी जांच करने गया तो कहीं और कुछ है भाई, काम मेरा बहुत सारा रहता है यार, दिन में परेशान नहीं करना है, रात में आप लोगों के लिए, आप लोगों की सेवा में 1 घंटा सादर समर्पित है। तो भाई मुझे सौरी भाई का मोबाइल नंबर है 7000716599। हाँ, सौरी भाई के चैनल का नाम है यार किसान का बोर, KISANKABOR, ये किसान का बोर चैनल है भाई, ऐसी टाइप करना है फिर मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो भाई हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सौरी भाई को जय जोहार।